हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये है सत्तू के पराठे की रेसिपी। ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि सत्तू के पराठे भी बनते हैं। लिट्टी तो हमने सुना था, लेकिन चलिए फिर देखते हैं ये पराठे किस टाइप से बनते हैं। और इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो तो ज़रूर देखनी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने दो कप आटा लिया है, इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाला है, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन डाली है, और दो टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऑयल डाला है, जिससे कि हमारा जो डो हो, पराठे हो, वो काफ़ी सॉफ्ट बने। फिर इसको हमें पानी की हेल्प से इसको आटा लगा लेना है। पहले इसको हमें अच्छे से मसलना है हाथों से, जो ऑयल है वो आटे में अच्छे से मिक्स करना है। फिर उसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। फिर इसको हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। अभी इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए हम रख देंगे। फिर हमें स्टफिंग की तैयारी करें। 1.5 कप मैंने सत्तू का आटा लिया है, ये चने का आटा होता है। फिर उसमें हमने 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन डाली है 1/2 टीस्पून के करीब, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड्स डाली हैं इसमें, और 2 ग्रीन चिली डाली है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और एक अनियन, मीडियम साइज़ की अनियन ली है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाला, ऐड किया है। फिर उसमें हम 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी लेंगे, जिसको हम हाथों से हथेली की मदद से इसमें रब करके ऐड करेंगे। फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट ऐड कीजिए, और उसमें हमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। फिर इन सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और लास्ट में हमें इसमें 2 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, और इनको बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। ये छोटे वाला ग्रेटर है मेरे पास, इसमें मैंने ग्रेट कर लिया है इसमें, तो इसमें हमें पेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आप डालेंगे तो चल जाएगा। अभी हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारा मसाला मैंने मिक्स करना है। अभी हमें ये जो मसाला है वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे, जिससे कि जो हमारा ये स्टफिंग है थोड़ी सी गीली हो जाए, ड्राई ज़्यादा ना रहे। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें, सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा सा छींटे डालने हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें पानी डालना है एक टाइम में, और इसको फिर हमें बाइंड करके देखना है कि ये बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम इसमें एक स्पेशल तड़का डालते हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें मैंने रायदाना डाला है, और कुछ करी लीव्स इसमें डाली हैं, चॉप करके, बारीक चॉप कर की हुई हैं। फिर इस तड़के को हमें अपनी स्टफिंग में डाल देना है, और फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम अपने पराठे की तैयारी करते हैं। मैंने एक आटे का पेड़ा लिया है, फिर उसमें स्टफिंग फिल करके इसको हमें धीरे धीरे से, फ्रेंड्स, बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है, जिससे कि हमारा फट ना जाए। फिर मैंने नॉनस्टिक पैन पे इसमें डाला है। इसी तरीके से मैं और बाकी के पराठे भी अपने बना लेती हूँ। अभी देखिए एक तरफ से सिक गया है, तो मैं इस साइड से इस पर एक ऑयल की तरह से ऑयल लगा देती हूँ इसमें। ये मेरे पास ऑयल ब्रश था, उससे मैंने ऑयल लगाया है, और फिर हमें हल्के से स्पैचुलास की हेल्प से इसको सेकना है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना लूँगी। देखिए मेरे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। एक हमें फिर पिज़्ज़ा कटर लेना है, और उसकी हेल्प से हमें इसको 4 पीसेस कर लेने हैं, देखिए इस टाइप से। और मैं इसके 4 नहीं, मैं पहले इसके 8 पीसेस कर लेती हूँ, फिर मैं 4 पीसेस भी करके दिखाती हूँ इस टाइप से हमें। और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा कटर से ही काटना है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने दही में थोड़े से मसाले स्पाइसेस डाले हैं, और ये एक मैंने डिप बनाई है इसके साथ, वो अलग से डिप है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और बस आज के लिए इतना ही। Thanks for watching this video, or keep watching and stay connected with me.